अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अकार अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ बजीज प्लांट में। और साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बजीज का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अगेन पालक के बारे में होगा। पालक की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई थी पर वो काफ़ी जो है ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई है। तो मैंने सोचा कि आज फिर से पालक पर वीडियो बनाएं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो ज़रूर देखी होगी वीडियो। जो हमारे नए सब्सक्राइबर आए हैं मैं उनको पालक के फ़वाद बताना चाहूँगा कि पालक में कौन कौन से फ़वाद हैं, कौन से इसके बेनिफिट हैं और पालक को देने से बजीज को जो है कौन सी ताकत मिलेगी, कौन से विटामिन मिलेंगे। सो दोस्तों, ये है पालक, ये आप देख सकते हैं, ये पालक है। और आपने जो है पालक इनको देनी कैसी है, सबसे पहले आप पालक लें और पालक को अच्छी तरह धो लें। वो धोनी क्यों है, वो धोनी इसलिए है कि जो ज़मींदार वगैरह ज़मीन करते हैं उनको कहते हैं कि इस पालक पर जो है स्प्रे कर दो, स्प्रे वगैरह वो पालक पे करवाते हैं ताकि इस पालक को जो है कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, कोई पेस्टिसाइड अटैक ना करे, तो इसलिए वो पालक पे स्प्रे करवा देते हैं। वो स्प्रे हार्मफुल होता है, जो भी कीड़ा वगैरह अगर उनके पास आता भी है तो वो मर जाता है कीड़ा। सो इसके लिए पालक पे स्प्रे हुआ होता है। सो जब भी आप इनको पालक दें तो अच्छी तरह उस पालक को पहले पानी से धो लें, पानी से धो लें या गर्म पानी से इनको धो लें। सो पानी से धोने के बाद क्या होगा कि जो भी इस पे स्प्रे का जो इफ़ेक्ट होगा वो चला जाएगा और ये पालक फ्रेश हो जाएगी। सो पालक को जो है धो के फिर जो है थोड़ा खुश्क कर लें ताकि उसका पानी जो है खुश्क हो जाए, वो गीली ना रहे इतनी, ठीक है। और चलते हैं इसके जो है बेनिफिट की तरफ। जो पालक के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे फवाद क्या हैं। पालक में सबसे पहले आयरन पाया जाता है, उसके बाद जिंक पाया जाता है, उसके बाद पोटेशियम पाया जाता है, उसके बाद जो है विटामिन ए सी ई के, ये सारे विटामिन इसमें पालक में पाए जाते हैं। और पालक देने से ये जल्दी ही ब्रीड पर आते हैं। जो बजीज ब्रीड नहीं करते, मेटिंग वगैरह नहीं करते, उनको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है पालक, और उसके बाद जो है उनमें मेटिंग करने की ख्वाहिश पैदा होती है, वो मेटिंग करते हैं। और जो है मेल के स्पर्म हैं वो स्पर्म को ताकत देती है, मेल के स्पर्म ताकतवर हो जाते हैं। और उसके बाद मेटिंग जब वो करते हैं तो मेटिंग के बाद वो अंडे देते हैं और वो अंडे भी फर्टाइल कर पाते हैं। जो बजीज मेटिंग करते हैं उसके बाद अंडे भी देते हैं पर वो अंडे जो इनफर्टाइल होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, वो इसी की वजह से नहीं होते कि उनको विटामिन की कमी होती है। विटामिन की कमी होगी तो वो उनके अंडे देंगे भी तो वो अंडे इनफर्टाइल होंगे और जो है वो अंडे बाहर फेंक देंगे, उसके अंडे देने का कोई फ़ायदा नहीं। सो ये पालक आप ज़रूर यूज़ करवाएं। आजकल जो है गर्मियां जो है कम हो गई हैं तो आप चाहें तो हफ्ते में दो दफ़ा यूज़ करवा सकते हैं पालक, पर इतनी क्वांटिटी में दें कि जितना इनको जो है डाइजेस्ट हो पाए, उसके जो है साइड इफ़ेक्ट ना हो इसको। आपके पास जितने बजीज हैं उस हिसाब से पालक दें। ज़्यादा पालक देंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत जो है एनर्जी होती है वो
इनको साइड इफेक्ट भी दे सकती है, इनको मोशन वगैरह कर सकते हैं। तो इतनी नहीं दें जितना इनके लिए जो है अच्छा रहे, थोड़ी क्वांटिटी में दें कोई मसला नहीं है, पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दें। सो ये पालक कि मैंने आपको फ़वाद बताए, तो इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, और विटामिन ए सी ई के, ये एनर्जी से भरपूर है, इसमें बहुत एनर्जी है। अगर ये इंसान भी यूज़ करें खाएंगे तो उनको भी बहुत एनर्जी मिलेगी, और ये बर्ड्स को भी आप यूज़ करवाएंगे, अपने बजीज को यूज़ करवाएंगे तो उनको भी बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। उसके बाद जो है मेटिंग वगैरह करेंगे, मेटिंग करेंगे उसके बाद इनके जो अंडे होंगे वो इंशाल्लाह फर्टाइल निकलेंगे, अंडों में से बच्चे ज़रूर निकलेंगे। अगर जो है पहले जो एक या दो बच्चे देते थे, तो उसके बाद इंशाल्लाह तीन चार देंगे या इससे भी ज़्यादा देंगे। आप पालक जूस ज़रूर करवाएं, पर जो है इतनी जूस ना करवाएं। तो ठीक है, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। आपके जो है मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद, फी अमानिल्लाह। ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता सारे बजीज उतरते आ रहे हैं, और ये इसको एंजॉय करेंगे पालक को। सारे आप देख सकते हैं नीचे उतर आए हैं। पालक इनको बहुत पसंद है, आप भी इनको पालक ज़रूर यूज़ करवाएं, हफ्ते में दो दफ़ा यूज़ करवा सकते हैं।